मैं एक ही बात बोलूंगी, यदि तू एक बाप की औलाद है तो तू मुझे बीड़ जिला परिषद में हरा के बता, मेरे जो 60 उम्मीदवार में खड़े करने वाली हूँ उनके सामने। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री साहब से मैं मिलने आई थी, उनको सदीक्षा भेंट देने आई थी, क्योंकि बहुत एक तरफा काम करा है, मेरा सपना पूरा करा है उन्होंने ये सरकार बदल के, तो बहुत खुश हूँ मैं ये जो सरकार बदली है। और एकनाथ शिंदे जी से मुझे पूरी न्याय की उम्मीद है। जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, पहले मुझे 16 दिन के लिए जेल में डाला गया, अभी मुझे 41 दिन के लिए जेल में डाला गया, तो एकनाथ शिंदे जी से मुझे पूरी पूरी न्याय की उम्मीद है और 1001% मुझे विश्वास है कि एकनाथ शिंदे जी मुझे न्याय जरूर देंगे। क्या बातचीत हुई, आपने क्या मांग की? मैंने सदीक्षा भेंट दी है उनको और मैंने उनको यही मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी बताया है। और जैसा कि मतलब अभी तक मेरे ऊपर जितना एक प्रेशर दिया जा रहा है, मुझे ऐसे उकसाया जा रहा है कि मतलब मैं खुद आत्महत्या कर लूं या मेरे बच्चे आत्महत्या कर लें, इन सब चीजों के लिए हम लोगों को उकसाया जा रहा है, जैसे कि मेरी माँ ने कर ली थी। तो ये सब चीजों से मैं डरने वाली नहीं हूँ और मेरी माँ ने जो करा था वो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ, और मैं लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी। और आज एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कुछ मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि 100% हम, और सबसे बड़ी बात तो कि जो मेरे पे दो झूठे एट्रोसिटी केस करे गए हैं तो उसकी क्वेश्चन के लिए भी मैंने बात की है, तो उन्होंने बोला 100% हम बात करेंगे। इस तरह का प्रेशर आप पे इस वक्त बना हुआ है? देखिए, हर तरीके की धमकियां आ रही हैं मुझे। पहले मुझे 50 करोड़ की ऑफर दी गई थी कि मैं इंडिया छोड़ दूं, 50 करोड़ मिलेंगे। उसके बाद मुझ पे झूठा एट्रोसिटी केस किया गया, उसके बाद वापस से झूठा एट्रोसिटी केस किया गया। उत्तर कोल्हापुर में मैं खड़ी थी तो मेरे ऊपर हमला किया गया। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, और अभी जो मुझे अलग अलग धमकियां आ रही हैं कि मेरे वीडियो बनाए जा रहे हैं, एडिटिंग चल रही है, ये चल रही है, मैं बोलती हूँ जिसकी जो ताकत है वो कर ले। और धनंजय मुंडे, मैं एक ही बात बोलूंगी, यदि तू एक बाप की औलाद है तो तू मुझे बीड़ जिला परिषद में हरा के बता, मेरे जो 60 उम्मीदवार में खड़े करने वाली हूँ उनके सामने मुझे हरा के बता। बाकी ऐसे से नथ में से वार करेगा ना, तो नथ में से वार करना मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, औरत के रूप में भी मैं एक मर्द हूँ, बस मैं इतना ही कहूंगी। और तैयारी आप इस वक्त चुनाव के लिए कर रहे हैं? कितने कितने कैंडिडेट रहेंगे आपके? पूरे 60 कैंडिडेट मैं बीड़ जिला परिषद में खड़े करने वाली हूँ, 110%। अभी परसों भी मैं बीड़ जिला परिषद में अपना अन्ना भाऊ साठे जी की जयंती थी और जो मांग समाज के लोगों ने मुझे वहाँ पे बुलाया था, खूब सम्मान दिया, 5000 के करीब लोग थे वहाँ पे और बहुत अच्छा हमने अन्ना भाऊ साठे जी की जयंती साजरी करी। अभी नहीं, मैंने इसके ऊपर पे कुछ सोचा है, जैसा कि सब चल रहा है रजिस्ट्रेशन वगैरह, और मेरे पे इतना मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है हर दिन पुलिस को यूज करके। पुलिस वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर पुलिस का दुरुपयोग करके, जैसे अब तो सत्ता ही चली गई तो अब तो बात ही खत्म हो जाती है, पर बहुत दुरुपयोग करा, मुझे 41 दिन जेल में रखा, हर वक्त मेरे पुलिस मेरे घर पे आती थी, ये सब चीजें मैं 2 साल से झेल रही हूँ। और अब तो भगवान की आंख खुल चुकी है और अब बहुत बड़ा नया सवेरा लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा।